Who has inaugurated India's first advanced hypersonic wind tunnel test facility? यानी कि भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजनाथ सिंह। याद रखिएगा, राजनाथ सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और राजनाथ सिंह कौन है? ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, यानी कि रक्षा मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट वरासत कैंपेन हैज़ बिन लॉन्च टू एंड द नैगिंग लैंड रिलेटेड इश्यूज इन द रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए किस राज्य में वरासत अभियान शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। कौन है ये? उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया गया है ग्रामीण समस्या को दूर करने के लिए? तो याद रखिएगा, ये है आपका वरासत कैंपेन, यानी कि वरासत अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल एट इंडिविजुअल वर्ल्ड कप इन बेलग्रेड सर्बिया, ग्रैबिंग सिल्वर इन द 57 kg कैटेगरी इन रेसलिंग। किसने बेलग्रेड सर्बिया में व्यक्तिगत विश्व कप में कुश्ती में 57 kg वर्ग में रजत जीतकर भारत का पहला पदक जीता? आंसर आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अंशु मलिक। कौन है ये? अंशु मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द 7-time F1 चैम्पियन हु हैज़ वोन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर प्राइज 2020। 7 बार F1 चैंपियन का नाम बताइए जिसने BBC की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 जीता है। आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन डी। कौन है ये? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असोचैम, यानी कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ वोन द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020। किस कंपनी ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि NTPC जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस बार 2020 का प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि अमिताभ कंत। याद रखिएगा, अमिताभ कंत है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये भी प्रेजेंट में वर्तमान में CEO हैं नीति आयोग के। ओके, चलिए, अपॉइंटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। और मैं जल्द ही करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं करंट अफेयर्स में, जो आपके एग्जाम में जिसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? निम्नलिखित में से किसे कोटक महिंद्रा बैंक का MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का उदय कोटक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिए, उदय कोटक है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच सेलिब्रिटी हैज़ टॉप्ड द 2020 लिस्ट फॉर हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ बाय फोर्ब्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बताया जा रहा है कि किस सेलिब्रिटी ने फोर्ब्स द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि काइली जेनर। कौन है ये? काइली जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, यानी कि ABU? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि शशि शेखर वेम्पति। कौन है ये? शशि शेखर वेम्पति। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है।
who has won the Social Entrepreneur of the Year Award India 2020? वर्ष 2020 भारत का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए आप सभी। ऑप्शन ए है शांति हीरानंद, बी अशरफ पटेल, सी रंजीत कुमार या डी है रेखा मेनन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।